भाई देखो रोड कंडीशन ऑफ सूरज ताल, और ये है सूरज ताल का रास्ता इधर से। भाई ये है जिंग जिंग बार और पागल नाला भी बोल सकते हो। भाई इस नाले का सीन कैसा है ना कि ये ना नाला अपने आप ही आपको लेफ्ट की तरफ खींचेगा, मतलब इधर लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ, लेकिन आपको इधर दबा के रखना है राइट की तरफ, ठीक है? तो हमें आप राइट से लेके चलना पड़ेगा। पागल नाले की कहानी क्या है कि इस पागल नाले में मतलब कहीं से भी पानी आ जाता है, मतलब कहीं से, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि जहाँ पे जगह बना रखी है नाले की बस वहीं से पानी आए ना। और बीआरओ ने बहुत काम किया है इस पे। ये देखो ये जो अलग सी पानी के लिए, वरना यहाँ से लेके पूरे वहां तक पानी की पैचेस थे, बट अभी क्या किया इन्होंने, एक अलग से नाला बना दिया है। तो ये वाटर क्रॉसिंग्स आप देख सकते हो, बारिश का टाइम तो नहीं है, मतलब जुलाई का महीना है। सबसे बड़ी रिवर क्रॉसिंग बोलते हैं। तो ये जो है वाटर क्रॉसिंग बस इतनी दूरी थी, मतलब 200 मीटर की, ये आपको ध्यान रखना है। बारिश के टाइम पे तो और ज्यादा ध्यान रखना है, अभी तो फिलहाल बारिश नहीं लगी हुई है यहाँ पे। अब हम सीधा पहुंचेंगे बारलाचा पास, जो कि आप सीधा देख रहे हो, आप सीधा 18,000 फीट। भाई बारलाचा से थोड़ा सा पहले, मतलब 5 किलोमीटर पहले, आपको ऐसा पैच मिलेगा रोड का। रोड कंडीशन देख लो आप, चलने लायक तो है बट स्टिल रोड कंस्ट्रक्शन अभी बहुत तेज तेज जोरों शोरों से है। भाई देखो रोड कंडीशन ऑफ सूरज ताल, और ये है सूरज ताल का रास्ता इधर से। ये बहुत बढ़िया भाई, इधर बारलाचा के पास देखो सूरज ताल, अमेजिंग व्यू है यार, अमेजिंग, मतलब मैसमराइजिंग, क्या पानी है। और ये देखो कुछ थोड़ा सा पैच ख़राब है यहाँ का, बारलाचा पास से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे हार्ट बीट भी थोड़ी सी बढ़ सकती है, पावर लगाना पड़ रहा है गाड़ी को ऊपर जाने के लिए। हम लोग 4 बैठे हुए हैं, और भाई देखो क्या मस्त व्यूज आ रहे हैं यार यहाँ से, ऑसम। ठंड तो है ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब यहाँ पे, क्योंकि धूप का धूप है। तो हम क्रॉस कर रहे बारलाचा पास, ये देखो बर्फ भाई, क्या मस्त बर्फ लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब मस्त क्या, थोड़े थोड़े बर्फ है यहाँ पे ऊपर और नीचे। और अभी क्रॉस कर दिया हमने बारलाचा पास, 3 के बज रहे हैं 11 बार। और यहाँ पे भाई मतलब थोड़ी जलन सी होती है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, हार्ट बीट तेज होगा आपका, क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट 18,000 फीट पे है, तो आपको सांस आएगी तेज तेज। भाई नीचे देखोगे ना इस साइड तो आपको यहाँ पे ट्रक गिरे हुए थे बहुत सारे, मतलब 10-12 ट्रक गिरे हुए थे इधर, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से चलाना है आपको। ये इस साइड में को फिर से बर्फ दिखाता हूँ, इधर से आते टाइम ना इस रोड पे देखो ये बर्फ लगी पड़ी है भाई। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, मतलब वाटर क्रॉसिंग बोल सकते हो इसको, ऊपर से आ रहे बारलाचा पास के थोड़ा सा आगे। रूट बहुत अच्छा बना दिया बीआरओ ने, तो वाटर क्रॉसिंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए यहाँ से, बट हाँ बारलाचा पास के बाद 5 किलोमीटर का जो पैच है वो थोड़ा ख़राब है, थोड़ा मतलब ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ये देखो यार ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है हमें, ये देख रहे हो आप, ये देखो ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है हमें, क्योंकि भाई ऑल्टीट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट बीट जो है बढ़ गई थी, तो हम अपने साथ ऑक्सीजन की ये सिलेंडर्स लाए थे। तो ये देखो बंदे को, और मैंने भी लिया ऑक्सीजन, अभी बहुत ज़्यादा खराब से हो गया, मतलब सिर में दर्द से कर रहा है। मतलब बारलाचा से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर आ गए हैं, और ये लद्दाखी चढ़ के देखो यार, मतलब कहीं कहीं पे है बेकार 10-20 किलोमीटर, बट स्टिल मस्त सड़कें बना रखी है बीआरओ ने यार,
हेड्स ऑफ। मतलब 20-30 किलोमीटर बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट रोड्स मिलेंगे, आपको इसकी टेरेन चेंज हो जाती है हर 20-30 किलोमीटर बाद, कहीं भी आपको अच्छे व्यूज मिलेंगे। लद्दाख में देखने के लिए सिर्फ वादियां ही हैं और कितने मोमेंट कैप्चर कर लो वो सारे कम है। मतलब कितने मोमेंट कैप्चर करोगे, हर जगह आपको ऐसी बातें देखेंगे हर जगह। तो भाई हम क्रॉस कर रहे हैं एक पुल जो कि बहुत पुराना लग रहा है मुझे, 9-10 से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए इससे। और भाई साहब क्या पुल है यार, पंख 95 और लाचुंगला 72 किलोमीटर। ग्लेशियर से पानी निकल के आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। वो पहाड़ क्रॉस करके हम लोग आ गए समतल मैदान पे और अभी पता नहीं कहाँ हूँ मैं, अभी मुझे खुद भी पता नहीं है एक्चुअली। बट ये प्लेन रास्ते हैं तो अभी चढ़ाई स्टार्ट होगी शायद दोबारा से। यहाँ के पहाड़ है ना मतलब अलग ही है, आप कहीं भी चले जाओ आपको ऐसे पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। ये है सर चू के कैंप्स और दिन के बज रहे 12, हम लोग पहुंच गए सर। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपको रुकने के लिए सर चू में। और सर चू की पहाड़ भाई अलग ही है, मतलब अलग। जो जो हम अंदर आते जाते हैं, बाहर लाचा क्रॉस किया हमने, फिर हमने और आ गया है और आगे देखो सर चू के जो इसका लैंडस्केप कह सकते हो आप, कितना प्लेन है ना। ओए ये देखो, वही आप लेह लद्दाख आ रहे हो तो आपने दो चीज़ों के लिए मेरी वीडियो को ऑन किया होगा, या तो आपको रोड कंडीशन देखने होंगे और या तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे नेटवर्क आते कि नहीं आते। तो भाई मैं बता दूँ आपको, ये देखो नेटवर्क पॉइंट के हिसाब से नेटवर्क आया, यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से नेटवर्क आ रहा है। ओ नेटवर्क आ गए है ना भाई, ऐसा लग रहा है इजिप्ट में आ गए हम लोग। और बहुत बड़ा मैदान है यार इसकी ना, नदी के उस साइड देखो आप, बहुत बड़ा मैदान है और आप उधर मैच भी खेल सकते हो, स्टेडियम बनना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं यूज कर रहा हूँ जियो 4G और नेटवर्क है 0, नेटवर्क है ही नहीं यहाँ पे। मतलब कभी कभी नेटवर्क आपको मिलेंगे पॉइंट के हिसाब से और बिल्कुल ही नेटवर्क। तो भाई एक न्यूज है यहाँ पे सरचू में, नेटवर्क है जियो के, पोस्टपेड और प्रीपेड के भी नेटवर्क है भाई यहाँ पे। और MBPS की स्पीड जो आ रही है वो आ रही है 3-4 MBPS की स्पीड, जो है 4 MBPS की स्पीड मिलेगी। सरचू टेंट में रुक सकते हो आप। और मैंने सुना कि लाइट की प्रॉब्लम होती है, यस तो अगर आप अपने बैकअप के साथ आते हो तो बेटर ऑप्शन है आपका रुकने के लिए। सरचू वैली एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, सरचू वैली है ये, बहुत ही अच्छी वैली है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पर रुकने में, बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर रुकने के लिए। जहाँ जहाँ जो भी अच्छा है ना मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ आप रुक सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। सरचू में आप रुक सकते हो जिस पर रुक सकते हो आप, और दारचा में रुकने की जगह नहीं है, बारलाचा के पास भी रुकने की जगह नहीं है, तो सरचू में आप रुक सकते हो। यहाँ पर टेंट्स अच्छे हैं और जो हाइट है वो है 15,000 फीट की, तो हल्का सा मतलब आपको कभी ऑल्टीट्यूड सिकनेस लग सकता है। और इसकी टेरेन देखो यार कितनी बढ़िया है ना, ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे देश में आ गए हो, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12, 12:30 बज गए और
अभी और टाइम लगने वाला है हमें, कम से कम हम रात के 7-8 बजे तक पहुँचेंगे। मतलब सुबह निकल गए थे जैसे कि आपको पता है, तो ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो देखे जाके, और अभी मिलते हैं सीधा आपसे आगे। मज़ा आ रहा है यार लद्दाख में, जो है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ ही हैं, इसलिए मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या जानना है, एक एक जानकारी मिलेगी। रास्ते बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया, कहीं कहीं पर रास्ते ख़राब है। आइए चलते आगे की तरफ और आपको आगे की गाड़ी दिखाता हूँ। हम आए हैं वेन्यू से, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस करी अब तक भाई। वाटर क्रॉसिंग देखो यार, पत्थरों के ना, ये है ब्रिज क्रॉस करने के लिए, और इधर थोड़ा सा रास्ता खराब है, जाम लगा हुआ है। थोड़ा सा पैच है भाई, वहां से जो गाड़ी आ रही है वहां से लेके यहाँ तक की वाटर क्रॉसिंग से नहीं कह सकते, पैच थोड़ा सा खराब है। आराम से भाई, देखो पुल कैसे जुड़ा हुआ है ये, ओहो भाई तारों पे जोड़ रखा है इस पुल को। भाई साहब, भाई तारों पे जोड़ रखा है इस पुल को यार। हाँ सच में बड़ा पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई। सबसे खतरनाक जो है वो कट है गाटा लूप्स का, हमने 21 कट लेने पूरे, मतलब 21 बार टर्न लेके, और हाँ तो 21 बार आपको जो है गोल गोल घूमना पड़ेगा। और ये वैली देखो यार, ये वैली में सबसे ऊपर मतलब एक भी पेड़ नहीं मिलेंगे आपको, और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे मुझे लगता है 70-60% हो गए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फील हो जाता है यहाँ पे। मेरे कान दोनों सुन पड़ गए, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पिन पॉइंट